बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी अपनी होस्ट, आपके अपने चैनल ख्वातीन कुकिंग चैनल में हाज़िर हूँ। तो नाज़रीन, गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं और बहुत गर्मी होती है, तो इन गर्मियों में हमें ज़्यादा से ज़्यादा जूसेस पीने चाहिए। इंशाल्लाह गर्मी से लड़ने के लिए हमें ताकत भी तो चाहिए। तो आजकल जैसे कि पता है, गर्मियों में फ्रूट बहुत ही होते हैं, मज़े के होते हैं, रस भरे होते हैं, तो उनको हम वैसे भी खाते हैं और उनके जूसेस भी यूज़ करते हैं। तो आज मैं आपको मज़ेदार सा एनर्जी से भरपूर जूस बता रही हूँ, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। बाज़ लोग कहते हैं कि हमें आड़ू का जूस पसंद नहीं या मिल्क शेक हमें अच्छा नहीं लगता, तो आज मैं उसको थोड़ा सा डिफरेंट करने लगी हूँ। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा, मेरे तरीके से ज़रूर बना के पिएगा। तो ये इसके लिए मुझे दो मैंने आड़ू लिए, उनके मैंने छिलके नहीं उतारे, इनको वैसे धो के अच्छी तरह से वॉश मैंने करके रख लिया, काट लिया है। ये एक आम लिया है और ये मैंने थोड़े से आम के पल्प बनाए हैं, तो ये मैं थोड़ा सा इसको डिफरेंट करूँगी, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। इसके लिए हमें चाहिए बर्फ़ और चीनी। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी ये जूस को। सबसे पहले मैंने इस जग में डाल रही हूँ आड़ू को। अब मैं इसमें डालूंगी चीनी 2 टेबलस्पून। आम भी मीठा होता है तो आप अपने हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हो, तो मैं इसमें एक और डाल देती हूँ, मतलब 3 टेबलस्पून। अब इसमें जाएगा ठंडा पानी, 1 गिलास के करीब मैं इसमें डालूंगी। जी जी काफ़ी है। आप चाहें तो इसमें पानी की जगह सोडा भी ऐड कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन मैं पानी यूज़ कर रही हूँ। अब हम इसको करेंगे ग्राइंड। इसको मैंने 3 मिनट तक इसको अच्छी तरह से ग्राइंड किया, क्योंकि मैंने इसके छिलके नहीं उतारे थे। तो अब हम इसको छान लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम इसलिए छान रहे हैं कि इसके छिलके हमने नहीं उतारे थे, तो वो मुंह में आए तो बाज़ लोगों को अच्छे नहीं लगते। इसको छानने के बाद मैंने जग को भी वॉश कर लिया, दोबारा इसको मैंने जग में डाल दिया है, यहाँ पे हम इसमें 1/2 गिलास और पानी का डालेंगे। ये बर्फ़ वाला पानी है। अब मैं इसमें डाल दूंगी ये जो मैंने आम के स्लाइस करके रखे हुए थे वो। चीनी इसकी बिल्कुल सही होगी, परफेक्ट। हम इसमें और चीनी नहीं डालेंगे और आम भी तो बहुत मीठा होता है। तो अब हम इसको दोबारा से ग्राइंड करेंगे। जी मैंने इसको 2 मिनट तक अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया, ये सारा कुछ मिक्स हो गया है। अब हम इसको ग्लास में डालेंगे। यहाँ मैंने 2 मुख्तलिफ गिलास लिए हैं, एक में मैं इसको सिंपल डालूँगी। जी माशाल्लाह से कितना मज़े का लग रहा है। यहाँ एक में मैं इसमें पल्प डालूँगी। जी ये देखें, ये हमारा जी पल्पी मैंगो जूस पर बन के रेडी है। बाज़ लोगों को पसंद होते हैं पल्प, बाज़ को नहीं होते, तो इसलिए मैंने एक में डाला है, एक में नहीं डाला। आप अपने मेहमान के सामने डिफरेंट तरीके के जूसेस पेश कर सकते हो, गर्मियों में ये सबसे अच्छे मशरूब होते हैं, गर्मियों की सौगात होते हैं। जी नाज़रीन, इंशाल्लाह आपको ये बहुत मेरा तरीका पसंद आया होगा, एनर्जी से भरपूर और पीने में बहुत मज़े के हैं, मुझे तो बहुत पसंद आए, इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएंगे। तो आप मेरी इस जूस की रेसिपी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बना के उनके सामने पेश करें, इंशाल्लाह उनको ये बहुत पसंद आएगा। आड़ू और मैंगो का मिक्स और इसका टेस्ट भी बहुत डिफरेंट और मज़े का होता है, इंशाल्लाह आप सबको पसंद आएगा। तो नाज़रीन, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाया करें, ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी आपको आसानी से मिल सके। और मेरी रेसिपी को लाइक ज़रूर किया कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में बताइएगा आपको आज के मेरे ये जूस कैसे लगे। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होते हैं जल्द ही। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।